नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 12 वीआईपी सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और माना जा रहा है कि ये 12 सीटें जो जीतेगा झारखंड में 23 नवंबर को उसकी सरकार बनने जा रही है। तो 12 वीआईपी सीटें कौन सी हैं और कहां किसका पलड़ा भारी है। 12 वीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है क्योंकि जिस कारण से यहां पर झारखंड में चुनावी प्रचार शुरू हो चुके हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन झारखंड की महत्वपूर्ण सीट जो कि गांडे सीट है और इस सीट को लेकर जेएमएम ने यहां पर कल्पना सोरेन तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर मुनिया देवी को चुनावी मैदान में उतारा है और इस सीट को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं। गांडे सीट की अगर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर जो है जेएमएम ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम उम्मीदवार डॉक्टर सरफराज अहमद ने 64,795 वोट हासिल किए थे जबकि जयप्रकाश वर्मा या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और 56,116 वोट उनको मिले थे। लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार बदले हैं तो माना जा रहा है कि इस सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जमीनी स्तर पर माना जा रहा है कि जेएमएम का पलड़ा भारी हो सकता है यहाँ पर, जिसका से कल्पना सोरेन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बड़े कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रहे हैं। वही बात की जाए झारखंड को लेकर अगली बड़ी सीट धनबाद विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण है और झारखंड का दंगल धनबाद में इस बार किसके खाते में जाने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जेएमएम ने यहाँ पर गठबंधन में सीट उनके पक्ष में रखी है और निजामुद्दीन अंसारी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बाबूलाल मरांडी जो कि पूर्व सीएम भी रहे हैं और उनके बाद यहाँ किस प्रकार का माहौल बना है और जो आंकड़े रहे हैं सीट को लेकर 2019 में तो बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर बात की जाए तो 52,311 वोट हासिल किए थे। तब वो झारखंड विकास मोर्चा से थे लेकिन अब झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में मिल चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है और यहाँ पर लक्ष्मण प्रसाद सिंह जो कि बीजेपी थी वो अब एक हो चुके हैं और बीजेपी को यहाँ पर 34,775 वोट जबकि यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम और कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन था तो सीपीआई माले को ये सीट मिली थी, उनको 32,235 वोट मिले थे जबकि निर्दलीय को 22,616 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा अब एक साथ आ चुके हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलने जा रही है। जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रही है यानी धनबाद विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस और जेएमएम यहाँ पर काफी दूर नजर आ रही है। जबकि बात की जाए दुमका सीट तो दुमका सीट भी महत्वपूर्ण है और इस सीट को लेकर भी बड़ी तैयारी देखने को मिली है। उपचुनाव में भी यहां पर जेएमएम का पलड़ा भारी था जो आंकड़े रहे थे लेकिन बात की जाए तो झारखंड का दंगल दुमका में किसका पलड़ा भारी है क्योंकि बसंत सोरेन जेएमएम उम्मीदवार तो सुनील सोरेन या बीजेपी उम्मीदवार यानी सोरेन सोरेन में ही कड़ी टक्कर है लेकिन पलड़ा किसका भारी है। यहाँ पर बात की जाए दुमका विधानसभा सीट के परिणाम 2019 की भी बात की जाए तो यहाँ हेमंत सोरेन ने यहाँ पर 80,589 वोट हासिल किए थे। जेएमएम को बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अगर बात की जाए तो लुईस मरांडी यहाँ पर बात की जाए तो 67,571 वोट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लेकिन बीजेपी ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर बदले हैं और इस बार काफी हलचल है। माना जा रहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है लेकिन हेमंत सोरेन का गढ़ है तो इस सीट पर हेमंत सोरेन यानी बात की जाए तो यहाँ पर बसंत सोरेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बड़का गांव की बात की जाए तो इस सीट को लेकर भी काफी हलचल रही है। हालांकि बड़का गांव को लेकर बात की जाए तो यहां पर यह सीट कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि अंबा प्रसाद उनके प्रत्याशी हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने रोशन लाल चौधरी को यहाँ पर टिकट दिया है। अब पलड़ा किसका भारी है। आंकड़ों की बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर, दोनों ही बड़े नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ये वीआईपी सीटों में बेशुमार एक बड़ी सीट है। यहाँ के आंकड़े की बात की जाए तो किसके पक्ष में जाए, देखिए 2019 की बात की जाए तो बड़कागांव विधानसभा सीट के जो परिणाम थे उसमें अंबा प्रसाद यानी जो कांग्रेस उम्मीदवार थी उनने
98,576 वोट। इसी कारण से कांग्रेस को ये सीट गठबंधन में मिली है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला नहीं है, उन्हीं को यहाँ पर फिर से टिकट दिया है, क्योंकि रूसालाल चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है। तो माना जा रहा है कि यहाँ पार्टी की टक्कर कांग्रेस और आसू पार्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अंबा प्रसाद जो प्रत्याशी है उनका पुनरा यहाँ पर भारी हो सकता है। जबकि बात की जाए तो झारखंड की अगली विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है, और सिली विधानसभा सीट का दंगल किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए, यहाँ जेएमएम ने अमित महतो को चुनावी मैदान में उतारा है, तो यहाँ सुदेश महतो आरसू पार्टी का दबदबा सीट पर रहा है, काफी समय से उनका दबदबा है। और आंकड़े 2019 की बात की जाए तो इस सीट पर सुदेश कुमार महतो यहाँ पर आरसू पार्टी ने जीत हासिल की थी, और यहाँ पर आरसू पार्टी ने उन्हीं को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 83,526 वोट उनको मिले थे। और सीमा देवी, यानी यहाँ पर बात की जेएमएम को हार का सामना करना पड़ा था सीट को लेकर, तो जेएमएम ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बदला है, तो कितना फायदा मिलेगा, तो यहाँ 63,326 वोट उनको मिले थे। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जेएमएम आरसू पार्टी में कड़ी टक्कर हो रही है, लेकिन आरसू पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर जमशेदपुर पूर्व सीट की बात की जाए तो ये सीट भी वीआईपी सीट है, और यहाँ पर पूर्णिमा दास साहू और डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि काफी हलचल है उस सीट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी क्या सीट पर जिसका से महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उस सीट को लेकर अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन झारखंड का दंगल किसके पक्ष में जा रहा है। 2019 के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर सरयू राय को यहाँ पर जो है निर्दलीय ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, करीब यहाँ पर 73,840 वोट। जबकि बात की तो भारतीय जनता पार्टी से रघुबर दास को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, तो इस कारण से यहाँ पर माना जा रहा है कि काफी कड़ी टक्कर इस बार इस सीट पर देखने को मिलती नजर आ रही है जमशेदपुर पूर्व की। जबकि झारखंड की बात की जाए तो रांची विधानसभा सीट भी वीआईपी सीटों में है, और झारखंड का दंगल किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जेएमएम ने यहाँ पर जो है डॉक्टर महुआ माझी को चुनावी मैदान में उतारा है। दो कारण है, एक तो यहाँ पर महिला उम्मीदवार है, जबकि सीबी सिंह को यहाँ पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, एक पुराने गद्दावर चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर इस सीट पर दंगल चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन बात की जाए 2019 के लिए, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह यहाँ पर जो है चुनाव जीते थे, करीब 79,522 वोट उनके पक्ष में रहे थे, और महुआ माझी जो कि जेएमएम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, 73,569 वोट उनके पक्ष में रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी से सीपी सिंह यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो एक बड़े चेहरे हैं, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर जेएमएम यहाँ पर दे सकती है। भाई बात की जाए जामताड़ा की, तो जामताड़ा विधानसभा सीट भी एक वीआईपी सीट है, और झारखंड का दंगल जामताड़ा में किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इरफान अंसारी कांग्रेस उम्मीदवार, तो सीता सोरेन या बीजेपी उम्मीदवार, अब किसका पलड़ा भारी है, और झारखंड का दंगल जामताड़ा में किसके पक्ष में जाएगा, इसको लेकर कुछ पुराने आंकड़ों की भी बात की जाए तो यहाँ पर बात की जाए तो 2019 के लिए इरफान अंसारी जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उनको 1,12,253 वोट मिले थे, एक बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था 2019 के लिए, और इसी कारण से इरफान अंसारी को ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया है। जबकि वीरेंद्र मंडल यहां पर 73,847 वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले थे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने इस बार सीट बदल दी है और महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इस बार क्या मामला यहाँ का पलटेगा। जामताड़ा में जिस कार की बात की जा रही है इस बार कार्टी की टक्कर देखने को जरूर मिल सकती है। जबकि बात करें जगन्नाथपुर विधानसभा सीट भी एक वीआईपी सीटों में है, और झारखंड का दंगल किसके पक्ष में जा रहा है, देखिए गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार, तो यहाँ पर बात की जाए सोनाराम यहाँ पर सिंकू जो है कांग्रेस उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है, अपने अपने जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर माना जा रहा है ये सीट पर भी कार्टी की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात किया जगन्नाथपुर की, तो विधानसभा चुनाव 2019 के परिणाम में यहाँ पर सोनाराम सिंकू यहाँ पर 32,433 वोट कांग्रेस उम्मीदवार को जीते थे, और इसी कारण से कांग्रेस ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि बात की जाए तो जेबीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा को यहाँ पर मंगल सिंह जो उनको 20,000 और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सुधीर कुमार सुंडी को यहाँ पर 16,000, लेकिन इस बार मामला फंस चुका है। यहाँ पर बात की जाए झारखंड विकास मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का विलय हो चुका है, तो यहाँ पर अगर मिला लिया जाए वोट तो यहाँ पर करीब जो आंकड़ा है वो 36,000 हो जाता है भारतीय जनता पार्टी और झारखंड विकास मोर्चा का,
और कांग्रेस के 32,000। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर इस बार कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये काफी महत्व हो जाता है। बांगामा की विधानसभा सीट की भी बात किया तो झारखंड का दंगल में यहाँ पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, ये भी वीआईपी सीट है। और यहाँ पर बात किया दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि अशोक कुमार भगत बीजेपी उम्मीदवार। आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पुराने चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं और एक अनुभव उनके पास है। जबकि दूसरे नंबर पर रही थी भारतीय जनता पार्टी, अशोक कुमार को 76,564 वोट मिले थे। तो माना जा रहा है कि इस सीट पर महामुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। कोडरमा की भी बात की जाए तो इस सीट को लेकर भी काफी हलचल है, अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। दोनों ही नेता जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय हैं और जिस कार की तैयारी है, जिस कार की चुनावी प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीट भी वीआईपी सीट है और इस सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सुभाष यादव आरजेडी को ये सीट मिली है, जबकि नीरा यादव बीजेपी उम्मीदवार, यानी यहाँ पर सीधे तौर पर यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इस सीट को लेकर बात किया 2019 में तो डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ पर जीत मिली थी और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि जीत का अंतर काफी कम था, 63,636 वोट यहाँ पर बीजेपी को, जबकि आरजेडी उम्मीदवार को 61,860 वोट मिले थे, यानी काफी कम मार्जिन से यहाँ पर हार जीत हुई थी। तो इस सीट पर माना जा रहा है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि झारिया विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो ये सीट भी वीआईपी सीट है और झारखंड का दंगल आखिर किसके बीच दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार महिला उम्मीदवार हैं और कांग्रेस को ये सीट मिली है। तो कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने रागिनी सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को ही जीत मिली थी, यानी पूर्णिमा नीरज सिंह को यहाँ पर करीब 79,512 वोट और यहाँ पर रागिनी सिंह को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 67,546 वोट मिले थे। दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवार बदले नहीं है, तो क्या नतीजे यहाँ के बदलने जा रहे हैं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीआईपी सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के मुताबिक काफी हलचल है, 2019 में यह सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बात की झारखंड विकास मोर्चा बना था, लेकिन वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार की तैयारी की है झारखंड को लेकर, उस लिहाज से माना जा रहा है कि यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर 18% वोट शेयर झारखंड विकास मोर्चा को मिला था, 13% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को 2%, कुल मिलाकर 35% वोट शेयर मिला था और अकेले भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट शेयर 2019 मिला था। और यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा को 5% और 8% यहाँ पर बात की जाए तो आरसू पार्टी को यहाँ पर वोट शेयर मिला था। अगर ये तीनों पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन है, अगर ये तीनों पार्टी का वोट शेयर मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर के मामले में आगे निकलती है, लेकिन सीटें किसके पक्ष में जाएगी ये तो जनता तय करेगी। तो आंकड़े तो किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि झारखंड में किसका पलड़ा भारी है ये तो झारखंड की जनता तय करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं, आपको बता दिया आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में और भी काफी बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं।